नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुकेश महला। इस बुलेटिन में बात करेंगे डॉक्टर महासिंह की हत्या पर, हत्या के विरोध में निकाले गए कैंडल मार्च पर, छात्रों के हंगामे पर, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 साल पहले हुए हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने की जनसभा, कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के लिए मांगा जनता से समर्थन। और शामली में छात्रवृत्ति की मांग को लेकर छात्रों का डीएम कार्यालय पर हंगामा, मुजफ्फरनगर हाईवे जाम कर जमकर की नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। तो जिस तरह से जिक्र किया गया था, एक के बाद एक खबर पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। गुरुग्राम पुलिस ने 3 ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने 7 अगस्त 2012 को डॉक्टर महासिंह की हत्या की थी, जो पिछले 6 साल से पुलिस से आंख मिचोली का खेल खेल रहे थे और अब पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो शातिर बदमाश हैं जिन्होंने सोहना के सिलानी चौक पर 7 अगस्त 2012 को डॉक्टर महासिंह की हत्या की थी। इन 3 शातिर अपराधियों ने डॉक्टर महासिंह को मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद से लगातार ये सभी फरार चल रहे थे। दरअसल मृतक महासिंह की पत्नी सोनीपत के अहिर माजरा की रहने वाली है और अहिर माजरा के सरपंच धर्मवीर के साथ मृतक महासिंह की पत्नी के अवैध संबंध थे और इसी के चलते सरपंच धर्मवीर ने 25 लाख रुपए की सुपारी इन बदमाशों को डॉक्टर महासिंह को मौत के घाट उतारने के लिए दी थी, जिसके चलते इन बदमाशों ने सुपारी लेकर डॉक्टर महासिंह को मौत के घाट उतार दिया गया था। जिस समय इन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था, उस समय मृतक महासिंह अपने क्लिनिक को बंद कर रहे थे और उसी समय इन बदमाशों ने सोहना के सिलानी चौक पर डॉक्टर महासिंह को गोलियों से छलनी कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वहीं इन बदमाशों ने यह भी कबूला कि इस हत्या के पीछे सरपंच धर्मवीर का हाथ है। फिलहाल सरपंच धर्मवीर पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस बदमाशों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सोहना के इंचार्ज इंस्पेक्टर सतेंद्र की टीम ने 7 अगस्त 2012 को सोहना एरिया में डॉक्टर महासिंह की जो मर्डर हुआ था, गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी, उसके 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो एक आरोपी रिजवान खेड़े गुजर था, जिला सोनीपत का रहने वाला है, जिसकी उम्र लगभग 34 वर्ष है, 8वीं कक्षा पास है, जो 20 फरवरी 2019 को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 नाम और आगे आए, विक्रम और जयदीप, जिनको दिनांक 24 फरवरी 2019 को गिरफ्तार किया गया। विक्रम 33 वर्ष 8वीं पास है और जयदीप 33 वर्ष ये भी 8वीं पास है, इनको गिरफ्तार किया है। जो तीनों ने पूछताछ के दौरान कबूला है कि उन्होंने 7 अगस्त 2012 को गांव अहिर माजरा सोनीपत के सरपंच धर्मवीर के कहने पर 25 लाख रुपए की सुपारी लेकर ये हत्या को अंजाम दिया था, जो इस संबंध में इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हत्या का कारण उसके जो सरपंच धर्मवीर है, उसके जो है मृतक महासिंह की पत्नी के साथ अवैध संबंधों को लेकर इस हत्या को अंजाम दिया था और इसमें अभी 3 गिरफ्तारियां हो चुकी। कब की वारदात थी? 7 अगस्त 2012 की। जब जब डॉक्टर महासिंह अपनी जो डॉक्टर की उसकी वो है दुकान है, क्लिनिक है, उसको शटर बंद कर रहे थे, उस समय इनको जो है गोलियां मारी गई। तो बीते 7 साल से कहां पर थे ये लोग, कहां छुपे हुए? ये अभी पुलिस रिमांड पर हैं और इनसे जो है विस्तार पूर्वक पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा भी इन्होंने कोई अपराधी? ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से हम कॉल करके संपर्क और इसको ले रहे हैं। कोर्ट में किसी से इसको पेश किया है? हाँ, कोर्ट में जो है ना अभी पेश करेंगे, आज भी पेश करेंगे और आगे फर्दर जो रिमांड है उसकी वो करेंगे। कितना पढ़े लिखे हैं?
ये सर जो धर्मवीर सरपंच है, क्या इसका भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या इसकी? हाँ, सारा का सारा पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन के दौरान सब चेक करवाया जाएगा और बहुत बारीकी से साइंटिफिक वे से और सारे के सारे जो इन्वेस्टिगेशन है प्रॉपर तरीके से की जाएगी। इनसे कोई हथियार भी बरामद हुए हों? ये अभी हथियार बरामद नहीं हुआ है। साइबर सिटी गुरुग्राम में किसी गैंगस्टर की गिरफ्तारी को लेकर जब आम जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो तो मिलेनियम सिटी में कानून व्यवस्था कैसी और किस कदर बेकाबू हालात, इसका अंदाजा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं। जी हाँ, यह पुलिस कमिश्नर के इतिहास में पहली बार ही है कि आम जनता ने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करते हुए न केवल कैंडल मार्च निकाला बल्कि कमिश्नर ऑफिस के गेट पर सैकड़ों मोमबत्तियां लगाकर सिटी की पुलिसिया व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी। दरअसल बीती 23 फरवरी की रात को विजय बत्रा जब अपने घर सोहना रोड के पार्क व्यू में जा रहे थे तभी I-10 गाड़ी और एक्टिवा पर आए अज्ञात बदमाशों ने ताड़ बतोड़ गोलियां बरसाकर विजय को मौत के घाट उतार दिया। वारदात पार्क व्यू में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई और गाड़ी जिसमें कि बदमाश सवार होकर आए थे, परिवार ने भी नामजद गैंगस्टर कौशल पर हत्या का आरोप लगाया था लेकिन पुलिस के हाथ कौशल के आतंक के बाद भी खाली ही नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि साइबर सिटी में 11 क्राइम ब्रांच के साथ साथ साइबर सेल थाना भी मौजूद हैं लेकिन तमाम इंतजामों के बावजूद गुरुग्राम पुलिस गैंगस्टर कौशल का सुराग तक नहीं लगा पा रही है और गैंगस्टर कौशल के आतंक का दायरा साइबर सिटी समेत आसपास के जिलों में बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में सेवा और सुरक्षा का नारा देने वाली पुलिस कब तक इन नारों को सार्थक कर पाती है, यह देखने वाली बात होगी। क्या कहना चाहेंगे आपने कैंडल मार्च आज निकाला है? भगवान मेरे हस्बैंड की आत्मा को शांति दे, जिसने भी मेरे हस्बैंड के साथ ये काम किया है, जो भी बदमाश है, जो भी कार्रवाई की जाए जल्दी की जाए, जैसे उसने मेरा घर उजाड़ा है बस किसी और का घर ना उजाड़े, जल्दी से कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ मिल जाए, बस मुझे और कुछ भी नहीं। आश्वासन दिया था गुड़गांव पुलिस ने आपको कि जल्द गिरफ्तारी होगी? एक हफ्ते का आश्वासन दिया था, अभी कुछ नहीं, अभी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली, 4 दिन हो गए हैं आज। तबादला हुआ है? हाँ जी। बोलो जी, नए एक बार नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम नीलम बालू है, पूर्व पार्षद हूँ। क्या कहेंगे, पुलिस कमिश्नर भी चेंज हुए हैं सर, कुछ उम्मीदें हैं नए पुलिस कमिश्नर से? जी हाँ, हमने बहुत अच्छा सुना है उनके बारे में और आशा करती हूँ कि वो बहुत जल्दी उन लोगों को पकड़ेंगे जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आज 4 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी और हम लोग कैंडल मार्च लेकर इसीलिए आए हैं कि नए कमिश्नर साहब को भी एक बार हम इंटीमेट कर दें कि हम आपने हमें टाइम दिया हुआ है और हम उसी आशा पर आज दोबारा आपको रिमाइंड कराने आए हुए हैं कि प्लीज़ ये सब रुकवाइए। गुड़गांव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, क्रिमिनल इतना बेतहाशा काम कर रहे हैं, बिना डर के काम कर रहे हैं, जैसे प्रशासन का तो कोई डर है ही नहीं, तो ये तो बहुत गलत है। हम लोग बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, एक सीधा इंसान, शरीफ इंसान अगर इस तरीके से मारा जाता है तो मेरे ख्याल से बदमाशों की जो हिम्मत है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद डिपार्टमेंट की तरफ से ही बढ़ रही है, डिपार्टमेंट ही कर रहा है ये सब। एक के बाद एक लगातार 12 मर्डर कर चुका है, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, ये प्रशासन पर मैं तो ये कहूँगी कि एक मुँह तोड़ थप्पड़ है और प्रशासन को अब दिखाना चाहिए, अब उनकी बारी है कि अगर इस तरह क्राइम गुड़गांव में बढ़ता रहा तो कोई भी लोग, एक आम आदमी भी अपने आप को सिक्योर नहीं समझेगा। मैं तो ये कहती हूँ कि प्रशासन को बहुत जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो हमारे नए कमिश्नर आए हैं, हमें सबको उनसे बहुत उम्मीदें हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस क्राइम पर नकेल कसें और जो भी इससे रिलेटेड है, जिसने भी ये अंजाम दिया है इसको, तो उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। मेरे पति को आज 1 महीना हो गया, जयदीप की हत्या को तकरीबन 1 महीना होने वाला है। हाँ, बहुत सारे आश्वासन आपको दिए गए, क्या कहेंगे? 23 तारीख को मेरे पति की हत्या को 1 महीना हो चुका है, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द पकड़ा जाए जिसने भी इस, जो भी इस गैंग का मेंबर है, जो भी कौशल है, मुझे कौशल की लाश चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लाश चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 1 महीना हो गया, 1 महीने से जिस तरीके से उन्होंने करा और वो सिर्फ मकान बना रहे थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, मकान बंद करके ही तो आ रहे थे, और क्या दोष था जो वो मार के गए वो, मुझे कौशल की लाश चाहिए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की बात करते हैं जहां पर लोनी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने पकड़े गए चोरों के पास से चोरी की बाइक और हथियार भी बरामद किए हैं। बीती रात थाना ट्रोटका सिटी क्षेत्र के पुस्ता चौकी क्षेत्र में पुस्ता हाईवे पर ये
मुखबिर की सूचना पर मैं तलाशी के दौरान चेकिंग के दौरान दो साथी बदमाश गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से एक 32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल, मैं 4 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। तथा उन्हीं के कब्जे से एक 315 बोर की तमंचा, मैं एक जिंदा कारतूस की बरामद की गई। सर, तो कोई ऐतिहासिक अपराध? ऐतिहासिक अपराध इसके पहले भी ये जो अपराधी तस्लीम है, ये चोरी के मामले में लोनी थाने से जेल जा चुका है। ये नशा करते थे, नशे के आदि थे, आपराधिक किस्म के आदि थे, जो छिनैती या लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। वहीं लोनी पुलिस ने 5 दिन पहले हुई हत्या का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्यारों के पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। अंक 20 फरवरी को प्रातः 8 बजे ये ऋषि मार्केट के वैद्य वीर सिंह की हत्या जो हुई थी, तो आज रूटीन चेकअप के दौरान बंथला फ्लाईओवर के नीचे से 2 व्यक्तियों को हमारी पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। पूछ दौरान उनके कब्जे से एक अदद तमंचा और एक कारतूस बरामद हुई। पूछताछ के दौरान उनका नाम संजू प्रकाश में आया, मतलब, और दूसरा था जाटो, जो है गौरव जाटो। संजू उस हत्या के मामले में नेम्ड अभियुक्त था, जिसकी गिरफ्तारी की गई। और ये गौरव जो था, ये हत्या में इसने योजना बनाई थी, मुखबिरी की थी मौके पर। मौके वारदात इसने हत्या के लिए योजना बनाई थी कि यहाँ पर मौजूद है मृतक। तो इस तरीके से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, शेष विवेचना प्रचलित है और अगले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूरी कर। बाकी कितने अभियुक्त इसमें फरार चल रहे हैं अब तक? अभी जो अतिरिक्त नेम्ड अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी शेष है, और जो और भी रहे होंगे सूत्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। दौरान विवेचना जो भी प्रकाश में आएंगे पूरी कार्यवाही की जाएगी। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कौशाम्बी जिले में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। जनसत्ता दल की पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजा भैया ने कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से जनसत्ता दल के प्रत्याशी घोषित करने के साथ साथ ही उसके लिए मतदाताओं का समर्थन भी मांगा। जो हमारे मूलभूत सिद्धांत है, उनकी चर्चा हमने लखनऊ में भी की है, प्रतापगढ़ में भी की है और आंशिक रूप से यहाँ भी। उन सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं, उसके बाद कोई दल अगर आना चाहे तो पार्टी विचार करेगी। बात गठबंधन की हो रही थी, तो गठबंधन को कितना नुकसान पहुँचेगा इससे? कोई भी अलायंस इन मुद्दों से कोई समझौता, सपा बसपा का बसपा से नुकसान। यूपी की बुलंदशहर पुलिस ने गेटवे के जरिए कॉल ट्रांसफर कर विदेशों में बात करने वाले 2 मिनी एक्सचेंज संचालकों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से सऊदी अरब और हिंदुस्तान के 125 मोबाइल सिम कार्ड, 2 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और एक वीडियो कैमरा भी बरामद किया है। वाली नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और इनसे एक सिम बॉक्स बरामद किया गया, जिस बॉक्स के माध्यम से वीओआईपी कॉल को अनधिकृत रूप से अनधिकृत गेटवे पे से पास करके, जो लोकल गेटवे है, इंडिया का गेटवे है, उसको बाईपास करके सस्ती दरों पर विदेशों से कॉल कराई जा रही थी। इससे एक तरफ तो देश के राजस्व का नुकसान हो रहा था और दूसरी तरफ देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी काफ़ी बड़ा खतरा है, क्योंकि जब गेटवे क्रॉस हो जाता है तो उसकी CDRs वगैरह हमें नहीं मिल पाती है और कॉल्स के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे ढेर सारी मात्रा में सिम कार्ड, कुछ लैपटॉप्स बरामद किए गए हैं और इनसे विस्तृत पूछताछ की गई है। और इसमें एक जो अभियुक्त है, जो एक अभियुक्त का भाई है, वो फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए है और इसमें विस्तृत पूछताछ अभी जारी है। इसमें हमने जो हमारे BSNL के अधिकारीगण हैं, टेक्निकल सर्विसेज के अधिकारी हैं, उनसे भी सहयोग प्राप्त किया गया और इस पूरे गंभीर घटना को क्रैक किया गया। सर, ये जो पकड़े गए हैं दोनों लोग, ये कौन कौन से देशों में बात कराते हैं और कौन कौन से देश के इसमें सिम मिले हैं? पाकिस्तान बेसिकली एक अभियुक्त जो है वो सऊदी अरब में रह रहा था और सऊदी अरब से ही बेसिकली ज़्यादा कॉल कराई जा रही थी। और ये 2017 से इस तरह की घटना में बीच बीच में गैप करके लगातार कर रहे थे।
विस्तृत पूछताछ बाकी चीजों के बारे में की जाए। सर जिस तरह नहीं, जो सिम कार्ड्स मिले हैं वो ज्यादातर सऊदी अरब के और लोकल सिम कार्ड भी बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। सर बताया जा रहा है कि इससे ट्रेस नहीं हो सकती जो कॉल ये कराए थे। जी, वीओआईपी कॉल होने के चलते और गेटवे क्रॉस कर गेटवे बाईपास करने के चलते वो कॉल ट्रेस नहीं हो पाती हैं और सस्ती कॉल पड़ती है क्योंकि उससे जो राजस्व संबंधित कंपनियों को देना पड़ता है वो राजस्व नहीं देना पड़ता है और इससे देश की सुरक्षा और सर क्या किसी आतंकी संगठन से ये लोग लिंक हो सकते हैं? नहीं, देखिए विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जानकारी इकट्ठी की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में अधिक कोई जानकारी नहीं मिली है लेकिन जानकारी आगे की सर। फरार अभियुक्त जो है वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, क्या नाम है उसका? नहीं, अभियुक्त है, फरार है और अभियुक्त अभियुक्त है और उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी, पकड़ा जाएगा, शीघ्र उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। क्या सर ये पाकिस्तान भी बात कराते थे? नहीं, अभी तक पाकिस्तान बात कराने की बात प्रकाश में नहीं आई है, सऊदी अरब से बात कराने की बात प्रकाश में आई है और विस्तृत पूछताछ में ये तथ्य और पाकिस्तान का नाम खोला गया है। आज जो विज्ञप्ति गई उसमें पाकिस्तान का नाम खोला गया, ये संदेह है लेकिन इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी उसके बाद ही कन्फर्म। आंतरिक सुरक्षा को किस तरीके से खतरा है सर? आंतरिक सुरक्षा को जैसा मैंने बताया कि वीओआईपी को जब वीओआईपी कॉल के थ्रू जब गेटवे को बाईपास कर दिया जाएगा तो उसकी जो सूचना है वो हमें गेटवे के थ्रू नहीं मिल पाती और ये आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। जम्मू कश्मीर की सर ये बात कराते थे, जम्मू कश्मीर पता है? विस्तृत पूछताछ की जा रही है और उसमें जो फैक्ट्स आएंगे उनके बरामदगी। ये सिम बॉक्स है, लैपटॉप्स हैं, बड़ी मात्रा में सिम कार्ड्स हैं, मोबाइल्स हैं, ये सारी चीजें बरामद। इंटरनेशनल सिम्स कितने हैं और नेशनल सिम्स कितने हैं? इंटरनेशनल सिम भी मिले हैं, सऊदी अरब के सिम मिले हैं इसमें। इनके मोबाइल में जो जिस एप्लीकेशन के थ्रू ये यूज होता है उस एप्लीकेशन मिले हैं। शामली में दर्जनों छात्रों ने छात्रवृत्ति की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पर जमकर हंगामा प्रदर्शन करते हुए मुजफ्फरनगर हाईवे जाम कर दिया। हाईवे जाम होने से सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। रोड जाम होने की सूचना से पुलिस में भी हड़कंप मच गया। थाना आदर्श मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुस्साए छात्रों को समझा कर जाम खुलवाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीविश कुमार। आज आप धरने पर बैठे, क्या मामला है? देखिए आज हम धरने पर बैठे हैं छात्रवृत्ति को लेकर। पिछले कुछ दिनों से शामली जिले के विद्यार्थी छात्रवृत्ति को लेकर आंदोलनरत है और विद्यार्थी परिषद उनके साथ खड़ी है लेकिन वो छात्रवृत्ति उनको अभी भी नहीं मिल पाई है। कई हजार छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हुई है और हम दो बार इस विषय में डीएम साहब से भी मिल चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो आज हमने डीएम साहब से घेराव किया है को उठे सब और जब तक छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तब तक हम शांत बैठने वाले थे। अभी एसडीएम के साथ में आपकी कुछ झड़प भी हो रही थी? हम नारे लगा रहे थे वंदे मातरम के, तो एसडीएम साहब ने हमें रोका और कहा कि आप वंदे मातरम के नारे नहीं लगा सकते, ऐसे अधिकारी हमें नहीं चाहिए और वंदे मातरम हमारे खून में है, राष्ट्रवाद हमारे खून में है, वंदे मातरम कहेंगे कोई हमें रोक नहीं सकता और ऐसे अधिकारी हमें शामली में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे, इन्हें शामली से जाना पड़ेगा। वंदे मातरम के फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर सुर्खियों पर एक बार फिर से। हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 साल पहले हुए हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने की जनसभा, कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के लिए मांगा जनता से समर्थन। और शामली में छात्रवृत्ति की मांग को लेकर छात्रों का डीएम कार्यालय पर हंगामा, मुजफ्फरनगर हाईवे जाम कर जमकर की नारेबाजी।